CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम धा से धमा चौकड़ी। आज बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, मैं जल्दी आ गया हूँ या बच्चों को देरी हो गई? आवाज धीरे धीरे चलो ना। अच्छा तो आ गए तुम। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ बच्चों आ जाओ यहाँ पर। अरे 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 वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ इधर। हाँ हाँ, अरे अरे भाई तुम धक्का क्यों दे रहे हो? है? मैंने नहीं दिया भैया, पहले इसने दिया। अच्छा चुन्नू ने दिया है। चुन्नू देखो सोनी को धक्का मत दो बेटा। अरे एक काम करो, इस तरफ तुम इधर आओ। हाँ ऐसे ऐसे, शाबाश। तो ये बताओ धक्का दे कौन रहा था वैसे? चुन्नू दे रहा था। वैसे एक बात बताऊं, ये धक्का मुक्की करना ना बिल्कुल ठीक बात नहीं। गंदी बात। हाँ बिल्कुल सही कहा, गंदी बात है, बुरी बात है। हाँ बहुत बुरी बात है, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने चिंटू। देखो इससे चोट भी लग सकती है तुम्हें, तो क्यों ना इसी बात पर मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊं। कहानी? हाँ कहानी, कहानी। हाँ और पता है नाम क्या है उसका? मैं बताता हूँ ना, उसका नाम है धा से धमा चौकड़ी। धा से धमा चौकड़ी। शाबाश। तो एक बार एक जंगल के सारे जानवरों ने सोचा क्यों ना नदी के किनारे पिकनिक पर जाएं। मुझे पिकनिक बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मुझे भी पिकनिक बहुत अच्छी लगती है। भैया क्या आप हमें पिकनिक पे लेके जाओगे? हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगा, कहानी के बाद पिकनिक पर ही चलेंगे, ठीक है ना? हाँ तो बच्चों जानवरों ने सोचा क्यों ना पिकनिक पर जाया जाए, वहां पर खूब धूम धड़ाका धमा चौकड़ी करेंगे। ध से धूम, ध से धमा चौकड़ी। धा से धनुष, क्या बात है। धा से धनिया, धूप, क्या बात है। हाँ धा से धीमा, भाई लगता है शब्दों का पिटारा खोल लिया सबने। बहुत बढ़िया। धा से धीरे, वही वाह क्या बात है। धा से धीरे, धा से धूम, धा से धड़ाम, धा से धूम धड़ाका और धा से धमा चौकड़ी। तो बच्चों वहां पर सब जानवरों ने सोचा, जो भी जानवर थे ना वहां पर, सब ने सोचा वहां पर जाकर यानी नदी के किनारे पिकनिक पर जाकर बहुत अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, धूम मचाएंगे, खूब मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। हाँ मस्ती, धूम, बिल्कुल। लुका छुपी खेलेंगे। हाँ लुका छुपी, आइसक्रीम खाएंगे। अरे वाह आइसक्रीम, अरे वाह 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 क्या बात है। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे मेरा चुन्नू मुन्नू, और तुम क्या करोगे, क्या करोगे? रंगीन गुब्बारे। अब तो मेरा भी पिकनिक जाने का मन कर रहा। हाँ तो बच्चों ऐसे ही सारे जानवरों का मन कर रहा था, सबने धड़ाधड़ खेल कूद और खाने पीने का सामान रख लिया। धा से धड़ाधड़, बजाओ ताली इसी बात पर, बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों उसके बाद पता क्या हुआ? जैसे ही सारे के सारे नदी के किनारे पहुंचे, बंदर ने आम के टोकरे पर धावा बोल दिया। धावा, धावा, बिल्कुल सही। और पता है भरपेट सारे आम खा गया फटाफट। और पता है उसने सबके हिस्से के आम खा लिए। ये भी बहुत गलत बात है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा तुमने, ज्यादा ही आम खा लिए। हाँ हाँ आम खा ले। हाँ और सबके हिस्से के खा लिए। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल उसने सारे आम खाकर अपना पेट तो भर लिया, किसी के लिए नहीं बचाया, किसी के लिए भी नहीं बचाया उसने। तब बाकी जानवरों को बहुत गुस्सा आ गया, सब धक्का मुक्की करके खाने का सामान उठाने लगे। अरे मुझे भी दो, अरे मैं तो रह गया, अरे मैं भी खाऊंगा, अरे मेरा पैर दब गया, अरे मेरा पैर, अरे मेरा लड्डू बिखरा दिया, लड्डू लड्डू बिखरा दिया। बच्चों बच्चों इतनी धक्का मुक्की हुई, इतनी धक्का मुक्की हुई। हाँ और इतनी धक्का मुक्की हुई कि सभी धड़ाम से धूल में जा गिरे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। ध से धक्का मुक्की, ध से धड़ाम और ध से धूल। इसी बात पर सबके लिए हो जाए ताली। हाँ तो बच्चों, सब जानवर नए नए कपड़े पहन कर आए थे, सब धूल में गिरे तो कपड़ों में धब्बे लग गए। हाँ ध से धूल और ध से धब्बे। शाबाश, बिल्कुल सही बताया पूर्वा ने। तो पता है वहाँ पर एक धोबिन बिल्ली भी थी। हाँ ध से धोबिन। पता है धोबिन बिल्ली की साड़ी भी गंदी हो गई। और पता फिर क्या क्या किया उसने? वो पानी की धारा में कपड़ों की धुलाई करने लगी। हाँ धा से धुलाई, धा से धारा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और उसकी पिकनिक तो गई गई धूल में। और सब जानते बच्चों क्या हुआ? इतनी धक्का मुक्की हुई बच्चों, इतनी धक्का मुक्की हुई कि हाथी धड़ाम से गिरा गेंद पर। अरे गेंद, हाँ धा से धड़ाम। गेंद ले गए थे ना वो खेलने के लिए अपने साथ, बड़ी सी गेंद। तो हाथी धड़ाम से गिरा गेंद पर तो एक धमाका हुआ, धड़ाम। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, शाबाश। धा से धक्का, धा से धड़ाम और धा से धमाका। भैया धमाका क्यों हुआ? चुन्नी बेटा, वो धमाका इसलिए हुआ क्योंकि वो गेंद जो फट गई थी, धड़ाम। अरे गेंद भी फटी और हाथी के कपड़े भी फट गए। और पता है हाथी भी पिकनिक छोड़ के धागा लेकर कपड़े सीने बैठ गया। तो धा से क्या हुआ? धागा। हाँ सारी पिकनिक बर्बाद हो गई। अच्छा बच्चों, अगर वो धक्का मुक्की ना करते तो सब कुछ ठीक तरह से होता ना? हाँ भैया। हाँ तो इसीलिए चींटी ने सब जानवरों से कहा, देखो लाइन बनाकर चलना अच्छा होता है। भैया स्कूल में हम लाइन बनाकर चलते हैं, ये अच्छी बात है ना भैया? बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो लाइन बनाकर चलना हमेशा अच्छा होता है। अगर हम लाइन बनाकर नहीं चलेंगे तो धक्का मुक्की होगी, जैसे कि यहाँ पर हुई है ना। हाँ तो बच्चों, चींटी बोली लाइन बनाकर चलना अच्छा है, और हाथी बोला मेरी तरह धीरे 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 चलना अच्छा है, किसी को भी धक्का नहीं लगता। तो पता क्या हुआ, वहाँ पर मगरमच्छ भी था, पानी में चलता है। हाँ तो मगरमच्छ ने कहा, अगर अगर तुम सभी का ध्यान रखोगे तो कभी भी धक्का मुक्की नहीं होगी। हाँ अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर बंदर सबका ध्यान रखता, सबके हिस्से के आम ना खाता तो धक्का मुक्की होती नहीं? नहीं होती ना। शाबाश ये ध से ध्यान। हाँ ध से ध्यान। ताली बजाओ सब, ताली। शाबाश शाबाश, ध से ध्यान, ध से धक्का। तो बच्चों इसीलिए मगरमच्छ ने कहा, देखो भाई सबका ध्यान रखो, खूब खाओ पियो और धूम मचाओ, धूम मचाओ, लेकिन हाँ आराम से, धक्का मुक्की मत करना, ठीक ढंग से खाओ, खूब खाओ पियो और धूम मचाओ, मचाओ धूम। हाँ तो इसी बात पर बजाओ जोर से ताली। तो चले पिकनिक पर, चलो आओ मेरे साथ। जानवरों ने जंगल के सोचा पिकनिक पर जाए, धमा चौकड़ी धूम धड़ाका करके वापस आए, खेल कूद खाने पीने का रख सामान धड़ाधड़, नदी किनारे पहुंच गए सब भालू हाथी गीदड़। धसे धूम धड़ाका धमा चौकड़ी और धड़ाधड़,
करने जाते ही धावा भोला खा गया आम। धक्का मुक्की हुई धूल पर गिर गए सभी धड़ाम। धसे होता धक्का मुक्की धावा और धड़ाम। कपड़ों पर धब्बे लगे तो हुई लड़ाई। धोबिन बिल्ली पानी की धारा में करे धुलाई। धसे धब्बे धोबिन धसे धारा और धुलाई। फिर क्या हुआ? गिरा धड़ाम से गेंद पे हाथी हुआ एक धमाका। गेंद फटी और फट गए कपड़े सीता लेकर धागा। धा धड़ाम और धा धमाका धा से होता धागा। तब बोली चींटी अच्छा है लाइन बनाकर चलना। हाथी बोला अच्छा है बस धीरे धीरे चलना। मगरमच्छ ने कहा हमेशा रखो सभी का ध्यान। नाचो गाओ धूम मचाओ और खाओ पकवान। सबने मिलजुल खाई मिठाई रोटी सब्जी ककड़ी। धीरे धीरे छोड़ी सबने धसे धमा चौकड़ी। धसे धमा चौकड़ी। धसे धमा चौकड़ी। धा से धमा चौकड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे। संगीतकार राकेश पंडित। गायन स्वर नेहा वत्स रक्षित और बच्चे। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।